मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है एंड ऑफ फोटोशॉप। क्या चल रहा है? एंड ऑफ फोटोशॉप। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? व्हाट इज फोटोशॉप? Adobe Photoshop CS6 is a powerful editing application software. It is used for editing images, photos, graphics and well as videos. Photoshop allows us to create effect and style by using various tools. It also helps to create 3D icons. हम इसमें क्या बना सकते हैं? 3D icons भी बना सकते हैं. Let us learn to start Photoshop and use some of its unique features. हम बात करेंगे कि जो Photoshop है, Photoshop को हम open कैसे करेंगे? Photoshop को open करने के लिए सबसे पहले, चाहे वो Photoshop है या कोई other application है, या हमें computer system को जो है अपने programs को open करना होता है, तो हम start menu पर जाते हैं, जो कि आपके screen desktop पर बिल्कुल bottom में होता है, left hand side पर. ठीक है, तो वहां पर हम क्लिक करेंगे, देन हम जाएंगे ऑल प्रोग्राम। ऑल प्रोग्राम पे जाने के बाद हम जाएंगे एडोब, क्योंकि जो हमारा फोटोशॉप है वो किसका पार्ट है? एडोब का पार्ट है। ठीक है, फिर हम उसको ओके करेंगे। टू स्टार्ट फोटोशॉप यू कैन आल्सो क्लिक ऑन एडोब फोटोशॉप CS6 शॉर्टकट। जो स्टूडेंट्स हमारी जो एप्लीकेशन है उनकी शॉर्टकट्स आइकन आप डेस्कटॉप पर भी क्रिएट कर सकते हैं, एंड देन आप उस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो एप्लीकेशन क्या है ओपन हो जाएगी। फोटोशॉप इज नॉट अ ड्राइंग सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग ग्राफिक्स, इट इज यूज्ड फॉर अप्लाइंग इफेक्ट, ब्लेंडिंग इमेज, ब्लेंड का मतलब होता है जोड़ना, चेंजिंग कलर एंड बैकग्राउंड। आप इसमें बहुत सारी वेरियस चीज़ें कर सकते हैं, अलग अलग टाइप से आप बहुत ही जो है इसमें अट्रैक्टिव जो आपका वर्क होता है, बहुत इंटरेस्टिंग ये एप्लीकेशन है। सो आप इसको अच्छे से ध्यान से चैप्टर को पढ़ें। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फोटोशॉप विंडो। जो हमारे फोटोशॉप की विंडो है, यानी कि जितने भी हमारे एप्लीकेशन होते हैं जिन पर हम काम करते हैं, उन हर एक एप्लीकेशन का अपना अपना एक अलग कंपोनेंट्स होता है विंडो का। कहने का मतलब है फीचर्स, यानी कि पार्ट। ओके, इसके सब्स्टिट्यूट जो नेम हो सकते हैं वो आपके पार्ट्स हो सकते हैं एंड फीचर्स हो सकते हैं। द फोटोशॉप स्क्रीन डिड अपीयर ऑन योर स्क्रीन लुक लाइक द वन शॉप बिलो। लेट अस लर्न अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द फोटोशॉप विंडो। जो हमारी फोटोशॉप विंडो है उसके कंपोनेंट, सबसे पहले आपका आता है टाइटल बार। ओके, टाइटल, मेन्यू, टूल, कंपोनेंट्स में टाइटल, मेन्यू, ओके, टूल बॉक्स। ठीक है, टूल बॉक्स हो गया, ऑप्शन बार है, ओके, एंड कलर पैनल। कलर पैनल हो गया, लेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, एडजस्टमेंट पैनल। ठीक है, ये हैं हमारे कंपोनेंट्स, एंड आप लास्ट में शीट डाल सकते हैं। शीट भी कंपोनेंट में ही आता है। शीट, शीट का जो सब्स्टिट्यूट्स हैं वर्क एरिया, वर्क स्पेस, टाइटल बार। टाइटल
यानी का मतलब है आप जिस भी एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं तो टाइटल बार जो होता है वो उस एप्लीकेशन के नाम को दिखाता है, ठीक है, और उसकी जो फाइल है उस नाम को शो करता है। मेन्यू बार, द मेन्यू बार डिस्प्ले ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ वेरियस मेन्यूज दैट कंटेन वेरियस कमांड। ओके, सो मेन्यू बार क्या है, मेन्यू बार के एग्जाम्पल्स हो गए फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, टूल बॉक्स। इट डिस्प्ले ऑल द टूल्स फॉर एडिटिंग इमेज। इमेज को एडिटिंग करने के लिए, एडिट करने के लिए हमारे पास क्या है, जो फोटोशॉप है आपको अलग अलग टाइप्स के जो टूल्स है वो आपको प्रोवाइड करता है। कलर बार, इट शो वेरियस ऑप्शन डेट कैन बी यूज विद द टूल फॉर प्रॉपर इमेज एडिटिंग। इट कीप्स ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द टूल सेलेक्टेड फ्रॉम द टूल बार टूल बॉक्स। ओके, कलर पैनल, इट शो द प्रेजेंटली सिलेक्टेड फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर। चलिए, हमने जो है लास्ट प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो कलर्स होते हैं आपके फोटोशॉप में टू टाइप्स की उसकी प्रॉपर्टी होती है, फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर। ओके, ऊपर वाला फोरग्राउंड होता है, नीचे वाला बैकग्राउंड कलर होता है, डिफॉल्ट में ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं। लेयर पैनल सबसे इम्पोर्टेंट है, वी यूज लेयर फॉर कंट्रोलिंग डिस्प्ले द एडिटिंग ऑफ इमेज। जो हमारे फोटोशॉप में जो हम काम कर रहे हैं, मान लो हम एक या एक से ज्यादा लेयर्स पे काम कर सकते हैं, उसमें हमें वो फैसिलिटी जो है अवेलेबल होती है। क्यों होती है, क्योंकि मान लो जो भी हमारा हम इमेज पे एडिटिंग करते हैं, जो हमारे इमेज पे काम होता है वो एक लेयर पर नहीं हो सकता। कहने का मतलब आपका एक पूरा इमेज है, उस पर आप एक इंडिविजुअल जो आपकी पार्ट है आप उनको अलग अलग निकाल सकते हो, किसके थ्रू, लेयर्स के थ्रू रख सकते हो। कहने का मतलब उसका बेनिफिट क्या होगा, उसका बेनिफिट ये होगा कि आप जो है उन पार्ट्स पर जो भी आपने अपने लेयर पर अलग से निकाले हैं, अलग रखे हुए हैं, आप उसको इजीली क्या है उसमें एडिट कर सकते हैं। जो भी आपको करना है आप उसमें इजीली जो है वो कर सकते हैं। ओके, एडजस्टमेंट पैनल, इट कैन बी यूज फॉर अप्लाइंग प्री डिफाइंड स्टाइल एंड एडजस्टमेंट टू ऑल द लेयर ऑफ द डॉक्यूमेंट। जो आपका एडजस्टमेंट पैनल होता है वो कलर पैनल के नीचे होता है, यानी कि जो लेयर बॉक्स की आपको एडजस्टमेंट करनी है। कहने का मतलब लेयर्स की जो आपकी शीट है, उस शीट के आपके जो है उसमें साइजेस दिए गए होते हैं, आपको कितने कौन से साइज की जो है आपको लेयर लेनी है। ओके, अब हम बात करेंगे टूल बॉक्स की। दिस पिक्चर शो ऑल द टूल्स दैट कैन बी यूज फॉर एडिटिंग इमेज। आपके पास आपकी बुक में जो ये पिक्चर दिखाई गई है टूल बॉक्स की, इसमें जो है टूल्स सिर्फ एक एक ही शो रहा है, बट आप जो अपना माउस का पॉइंटर इनके ऊपर रखेंगे, एक तो इनकी शॉर्टकट डिस्प्ले हो जाएगी, अपीयर हो जाएगी, ठीक है, और फिर जो है नेक्स्ट आप इसको जब प्रेस करके रखेंगे तो इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शंस, यानी कि एक दो तीन मिनिमम फोर टूल्स तो आपको एक बॉक्स के अंदर जो है वो प्रोवाइड होंगे। टू सी द कीबोर्ड शॉर्टकट एंड द नेम ऑफ आवर टूल, द माउस पॉइंटर ओवर इट एंड हाउ कैन सी द शॉर्टकट। ओके, ऑल द टूल्स प्रेजेंट इन फोटोशॉप कैन नॉट बी अकोमोडेट बाय जस्ट वन बार। सो सम ऑफ दीज टूल्स रिमाइन हिडन, जो आपके कुछ टूल्स हैं वो छुपे हुए होते हैं। यू कैन यूज द स्मॉल ट्रायंगल एंड द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द टूल टू सी द ऑल हिडन टूल्स। टू ओपन द हिडन टूल्स क्लिक एंड होल्ड ऑन दिस ट्रायंगल, यू कैन सी द लिस्ट एंड शो इन द फिगर। ओके, अब हम बात करेंगे कलर पैनल की। वी कैन यूज अ कलर पैनल टू सेलेक्ट कलर टू बी डिफिल्ड इन एन इमेज ऑन फॉर इट्स बैकग्राउंड। आप क्या कर सकते हो, जो हमारा फोटोशॉप है, फोटोशॉप में आरजीबी कलर्स यूज होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू कलर्स जो है वो यूज होते हैं, तो आप जो है उनकी एडजस्टमेंट भी आप कर सकते हो। आपको कौन सा कलर लेना है आप उसमें किस मिक्सिंग कर सकते हो, आपको रेड कितना लेना है, आपको ग्रीन कितना लेना है एंड आपको ब्लू कितना लेना है, रेड ग्रीन, ठीक है। टू कलर मोर दैट कैन बी यूज फॉर आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू, मोर एंड सी एम वाई के। ये जो आपकी फुल फॉर्म है,
सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखनी है। आरजीबी कलर CMYK, ये आपके कलर के मोड है, ठीक है, यानी कि आरजीबी रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, एंड यहाँ पे जो है आप जो आपका ये जो के है, के फॉर क्रिप्टोन यानी कि ब्लैक, ओके, CMYK के क्रिप्टोन को ब्लैक कहा जाता है। मॉडर्न विच के स्टैंड फॉर ब्लैक, के इज यूज टू अवॉइड कंफ्यूजन बिटवीन ब्लू एंड ब्लैक, ओके, क्रिप्टोन, तो इसलिए इसको हम ब्लैक का जो है नाम दे देते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, फोटोशॉप में आपके आरजीबी एंड सीएमआई के कलर जो मोड होते हैं, ये है कलर मोड। जो कि टू टाइप के होते हैं, आरजीबी एंड सीएमआई के, ओके, इनमें आप मिक्सिंग भी कर सकते हैं। Opening a file in Photoshop. To open an existing file in Photoshop, follow the step given here. Click on File, click on Open. The Open dialog box will appear. Control plus O keys can also be pressed to open the Open dialog box. कंट्रोल ओ की हेल्प से क्रिएटिंग अ न्यू फाइल। अब हमें न्यू फाइल जो है वो क्रिएट करनी है, इसको जरा ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, फाइल मेन्यू, या फिर हम शॉर्टकट लेंगे कंट्रोल प्लस एन, ओके, तो कंट्रोल प्लस एन हम यूज करेंगे। अगर हमें लॉन्ग कट जाना है तो हम स्टेप्स कौन कौन से लेंगे, क्लिक ऑन फाइल, क्लिक ऑन न्यू, द न्यू डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, एंटर द फाइल नेम, यू कैन ऑल्सो मैंशन द वेट, हाइट, रेजोल्यूशन, कलर मोड एक्सेट्रा। ये जो आपके स्टेप्स हैं, यानी कि जब आप न्यू फाइल के लिए आप जो है कमांड देंगे इसको, तो आपके पास जो लेयर है, आपके पास ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है जिसमें नाम होगा, यानी कि आप चाहते हो अपनी लेयर को, कोई शीट को नाम देना, तो आप उसमें इजीली आप उसको फिल कर सकते हैं। प्री सेट क्लिप बोर्ड है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप के ऑप्शंस मिलेंगे। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे हाइट और विड्थ की। क्या होता है, यूज़र को पता होता है कि उसको कितनी लेयर, कौन सी लेयर पर काम करना है, डिपेंड ऑन योर वर्क, सो वो इसी हिसाब से जो है विड्थ लेगा एंड हाइट लेगा। यहाँ पे पिक्सल्स ही रहता है, रेजोल्यूशन ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे डिनोट हो जाएगा, एंड हमेशा जो आपका कलर मोड रहेगा वो आरजीबी कलर मोड ही रहेगा, ओके, एंड बैकग्राउंड कंटेंट। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है बैकग्राउंड जो कंटेंट होता है, एक होता है वाइट, एक होता है ट्रांसपेरेंट, ओके, तो आपको कौन सा लेना है, या तो आपको अपनी शीट में वाइट कलर चाहिए या आपको ट्रांसपेरेंट चाहिए, एंड देन आप इसको क्या करेंगे, ओके कर देंगे। अ विंडो एज शो बिलो अपीयर ऑन योर स्क्रीन, तो आपकी स्क्रीन पे इस तरीके से जो विंडो है
अपीयर हो जाएगी। सबसे पहला है रेक्टेंगल टूल। अब हम बात करेंगे टूल्स की। जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि ये क्या है, रेक्टेंगल है। ओके, यू नो दैट रेक्टेंगल टूल कैन बी यूज फॉर ड्रॉइंग अ रेक्टेंगल और अ स्क्वायर। आप इससे स्क्वायर और रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। सम अदर ऑप्शन डिस्प्ले बाय ऑप्शन बार फॉर द रेक्टेंगल टूल आर एज बिलो। मतलब इसमें आपको आपको शेप्स मिलती है, रेक्टेंगल मिलेगी आपके पास, यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएंगे। ओके, आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आपको कलर फिल करना है, तो यहाँ पे फिल का ऑप्शन है। स्ट्रोक होता है जो आपकी शेप की बाउंड्री है, वो आपको कैसे रखनी है। गेट शेप स्ट्रोक विड्थ, अब ये नेक्स्ट ऑप्शन है, वो है आपकी स्ट्रोक जो विड्थ है वो आपको कितनी रखनी है। सेट शेप स्ट्रोक टाइप, जो आपकी स्ट्रोक का टाइप है, जो आपकी शेप है उसकी स्ट्रोक का टाइप है, वो आपको कौन सा रखना है, तो आप इसको जो है अपने अकॉर्डिंग जो है अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिल। क्या है फिल? वी कैन यूज द फिल ऑप्शन टू सेलेक्ट कलर और फिलिंग इन द रेक्टेंगल। अब आपने रेक्टेंगल को जो है ड्रॉ कर लिया है, अब हम बात करेंगे कि हम उसमें क्या कैसे हम फिल कर सकते हैं, क्या फिल कर सकते हैं। अच्छा, आपकी जो प्रॉपर्टी बॉक्स फिल कलर की आएगी उस पर जो पहला ऑप्शन आएगा वो आएगा नो कलर, आपको विदाउट कलर के शेप रखनी है। चलिए, फिर इसमें बात आती है सॉलिड कलर की। सॉलिड कलर पर आप क्लिक करेंगे तो उसमें जो है आपके ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आपको कलर कौन कौन सा लेना है। देन पैटर्न आता है। पैटर्न से क्या मतलब होता है कि पैटर्न जो है ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट में होते हैं, यहाँ पे जो फोटोशॉप है आपको अलग अलग टाइप के पैटर्न्स देता है। ओके, जैसे आपने टाइल्स देखी होगी आपके घरों में, वॉल है, वॉल का भी हम जब पेंटिंग अपने घर में वाइट वॉश कराते हैं या पेंट कराते हैं, तो हमारा क्या होता है, हम उसको टेक्स्चर देते हैं कि इस टाइप का आपका टेक्स्चर होना चाहिए। ओके, आपको फिर हम उसको पैटर्न, जैसे हमारे टाइल्स का पैटर्न होता है कोई डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। फिर आता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट होता है एक या एक से ज़्यादा कलरों को मिक्सिंग करना, तो वो भी आपको इसमें मिलेंगी। ओके, सो ये है फिल। नो फिल, सॉलिड कलर, ग्रेडियंट, पैटर्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिल के ऑप्शन आते हैं नो फिल, नो फिल, सॉलिड, पैटर्न फिल करना है, या आपको ग्रेडियंट फिल करना है। ओके, हो जाएगा। बहुत जो है इंटरेस्टिंग है, फिल्म में भी ऑप्शन अच्छे अच्छे हैं। दिस नो कलर, दिस ऑप्शन शुड बी यूजफुल इन नो कलर इज टू बी फिल्ड इन द रेक्टेंगल। सॉलिड कलर, इट इज द डिफॉल्ट ऑप्शन दैट गेट सेलेक्टेड व्हेन फिल कलर ड्रॉप डाउन ऑप्शन अपीयर, सेलेक्ट अ कलर ऑफ योर चॉइस टू बी वन कलर इन द बॉक्स। ग्रेडियंट, दिस ऑप्शन शुड बी यूज फॉर फिलिंग कलर इन टू और मोर शेड कंबाइंड टूगेदर। द ग्रेडियंट ऑप्शन हैज फिल ऑप्शन एज शो इन द फिगर। आपको यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन मिलेंगे। यू कैन क्लिक एट दिस पॉइंट टू ओपन लिस्ट ऑफ वेरियस ऑप्शन सच एज लाइनर। अब देखिए, अब जो ये आपका चैप्टर है फोटोशॉप, फोटोशॉप में आपके जो ये
यहाँ जो आपका ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके कौन कौन से ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं ग्रेडियंट के लिए। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, लीनियर, रेडियल, एंगल, रिफ्लेक्टेड और डायमंड। दीज ऑप्शंस कैन बी यूज फॉर गिवन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट। कितने टाइप्स के होते हैं ग्रेडियंट? लीनियर, रेडियल, एंगल, रिफ्लेक्टेड और डायमंड। मैं जो है आपको बार बार यही बात रिपीट कर रही हूँ, प्लीज़ नोट डाउन दिस ऑप्शन। ओके, सो यू कैन क्लिक एंड सेट एनी वन ऑफ दीज ऑप्शन टू स्ट्राइक यूर रिक्वायर। आपको जो रिक्वायरमेंट है आप उसको जो है आप अपनी शेप में फिल कर सकते हैं, यानी कि आप इसमें टेक्स्चर भी फिल कर सकते हैं। एक ऑप्शन और होता है इसमें टेक्स्चर फिल करने के लिए। तो ओके, पैटर्न, दिस ऑप्शन शुड बी सिलेक्टेड फॉर गिविंग पैटर्न और डिजाइन फॉर द रेक्टेंगल। द पैटर्न ऑप्शन हैज फिल ऑप्शन एंड शो इन द फिगर। या एक तो जो पैटर्न ऑप्शन होता है, पैटर्न आप किसी अपना खुद का भी क्रिएट कर सकते हैं। कोई इमेज से आप चाहते हैं कि आप उसका कोई पैटर्न आप बनाना चाहते हैं तो आप इजिली वो भी इसमें कर सकते हैं। तो ग्रेडियंट कितने टाइप्स के हो गए? लीनियर, रेडियस, एंगल, रिफ्लेक्टेड और डायमंड। आया समझ में? ग्रेडियंट के ऑप्शन, रिफ्लेक्टेड, रेडियल, एंगल, लीनियर, डायमंड। एक होता है डायमंड। ओके, नाइन्थ क्लास, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक आपका ये होमवर्क है कि आप जितना आपको क्लास में कराया गया है उतना चैप्टर आपको रिकॉल करना है। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू।